महंगाई पर बीजेपी को घेरने गए कांग्रेसी आपस में ही भिड़े। ढिल्लो से सरेआम हुई तूतू मैं, धरना छोड़कर चले गए सिद्धू। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ चंडीगढ़ में गुरुवार 7 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किया। इसमें पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लो मौजूद थे। इस दौरान नेता आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू प्रदर्शन छोड़कर वहां से चले गए। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में ही कुछ बेईमान नेता हैं जिनके घर से पैसे मिले। इस पर ढिल्लो ने पलटवार करते हुए कहा कि तुम ड्रामा कर रहे हो और अगर हिम्मत है तो नाम लेकर बोलो। इसके बाद सिद्धू धरना छोड़कर वहां से चले गए। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान से कई बार नवजोत सिंह सिद्धू कई बार पार्टी नेताओं पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी के बाद उन पर हमला बोला था। सिद्धू ने कहा था कि सीएम पद के लिए ईमानदार उम्मीदवार की जरूरत है, आपका भाग्य इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं और एक माफिया व्यक्ति आपके कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकता। जो खुद माफिया को बचाता हो वह कैसे माफिया पर शिकंजा कर सकता है। पंजाब में कांग्रेस को मिली हार के लिए पार्टी के कई नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार माना। मुख्यमंत्री से टकराव, काम करने का तरीका और कई बार अपने ही नेताओं पर हमला बोल चुके सिद्धू कई नेताओं के निशाने पर है। पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद सिद्धू से पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया था। अभी तक इस पद पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिसे लेकर पार्टी नेताओं के बीच खींचतान चल रही है।